तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर काल सर्प कालामृत योग आपकी कुंडली में बनता है तो उसका सबसे अच्छा जो उपाय होता है, ठीक है, जो शास्त्रोक्त उपाय की हम बात करें, तो आप ये समझ लो कि काल सर्प दोष का निवारण होता है उसके पूरी अपनी एक रिचुअल है, ठीक है, तो वो आप लोग करा सकते हैं। दूसरा कि हमारे भारत में ऐसे कुछ प्रसिद्ध मान्यता प्राप्त ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पर इन सब के निवारण कराए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कालहस्ती टेम्पल है, ठीक है, भगवान शिव का ये टेम्पल है, बहुत प्राचीन आंध्र प्रदेश में पड़ता है कालहस्ती, ये टेम्पल आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ भी काल सर्प दोष का निवारण कराया जाता है, ठीक है, और भी तरीके के उपाय इसमें होते हैं, पितृ दोष के उपाय भी इसमें किए जाते हैं, तो वो आप टेम्पल है विजिट कर सकते, काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कालहस्ती के अलावा एक आपका काल भैरव टेम्पल भी है जो वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। वाराणसी में जनरली जब भी हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो ये इस पर्टिकुलर टेम्पल की भी दर्शन किए जाते हैं। यहाँ भी एक स्पेसिफिक पूजा की जाती है जनरली इसी तरीके के, अगर कुंडली में कोई कर्स है ना, कर्स मतलब कोई श्राप की वजह से कोई दिक्कत है, ठीक है, ऐसी कोई आपका काल सर्प दोष का अगर समस्या है, या अगर हम बात करें कि जो हमने पहले बात करी है ना पितृ दोष वगैरह की भी अगर कोई समस्या है, तो ये भी टेम्पल आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें, रामेश्वरम टेम्पल भी है ना, ये भी अच्छा टेम्पल है और इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और ये भी आपके अगर कुंडली में आपके नाग दोष, सर्प दोष या काल सर्प दोष है, तो ये पर्टिकुलर टेम्पल भी आप लोग कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली ये जो टेम्पल जो मैंने काल भैरव टेम्पल और दूसरा ये जो रामेश्वरम का टेम्पल बताया ना, ये श्राप के लिए इसका इम्पोर्टेंस है। कुंडली में अगर किसी भी तरीके का श्राप है, श्राप कैसे आइडेंटिफाई करे जाते हैं ना, कितने तरीके के होते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट ये दो टेम्पल उसके लिए भी हमारे पास हैं। और जो सर्पदोष, नागदोष और काल सर्प दोष है ना, इन तीनों के उपाय के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास है कुक्के सुब्रमण्यम, ये कर्नाटक में पड़ता है। ये टेम्पल भी स्पेसिफिकली इसी तरीके की क्रियाओं के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आपको सर्प संस्कार है ना, सर्प बलि और जितने भी ये दोषज हैं है ना, जो नाग या सर्प से रिलेटेड हैं, राहु केतु से रिलेटेड हैं, इन सब के उपाय आप वहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको टेम्पल्स बताए हैं, इसको विजिट करिए। अदरवाइज़ काल सर्प शांति के अपने रिचुअल्स हैं, वो भी आप करा सकते हैं, तो ये चीज़ें इसके उपाय हैं। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि श्राप को कैसे कुंडली में देखा जाए, कि और वो श्राप किसी ऋषि का है, या हमारे पास डिफरेंट तरीके के श्राप हैं, स्त्री श्राप होता है, भातृश्राप होता है ना, मातृश्राप होते हैं, डिफरेंट तरीके के श्राप का वर्णन है बृहत पराशर होरा शास्त्र में, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।